मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से चली आ रही पिछड़ा वर्ग की मांगों को लेकर आज पिछड़ा वर्ग विभिन्न संगठन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए यहां सीएम हाउस का घेराव करने जा पहुंचे। उन्होंने सीएम हाउस तक पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहां सीएम हाउस के आसपास पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ग्रोवर के आंदोलित युवा अम्बेडकर नगर चौराहे पर सुबह से ही एकत्रित होना शुरू हो गए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण किए जाने और देश में पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराए जाने की मांग जोरदारी से रखी। शिवपुरी से भी ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप बघेल अपनी टीम के साथ भोपाल पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन किया। आज मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी में पिछड़े वर्ग का जो आंदोलन हो रहा है सीएम हाउस के घेराव के हमारी मांगों को लेके, जिसमें पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण था शिक्षक भर्ती में वो 14% कर दिया है 27 से, उस मांग को लेकर एवं जातीय जनगणना को लेकर हमारा जो आंदोलन हुआ है मध्य प्रदेश में राजधानी में सीएम हाउस घेराव के लिए, जो 27% आरक्षण में हमारे शिक्षक भर्ती और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ जो 27% उनको 14% कर दिया है, वो हम मुताबिक लेके रहेंगे। ये हमारी मांग है मध्य प्रदेश में, इसलिए हमारा सारे संगठन 150 से समथिंग सारे संगठन ओबीसी महासभा के जनक के तले सारे संगठनों ने समर्थन दिया है, जिसमें हम हिस्सेदारी कर रहे हैं। ओबीसी महासभा ओबीसी राइट के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप बघेल एडवोकेट शिवपुरी।